तेज गर्मी के कारण आग की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। कई शहरों और रोड पर कई वाहनों में आग लग गई। आग से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि आग से एक शख्स झुलसा है। रिपोर्ट देखिए। बीच सड़क पर धू-धू कर जलती गाड़ी, तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। दरअसल डिस्कॉन कंपनी सड़क का रोड मैपिंग का काम करा रही है। बॉयलर में आग लगाते समय गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से हादसा हुआ। कई लोग भागने में कामयाब रहे। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण भीषण आग लग गई। आग से कई घर जलकर राख हो गए। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दूसरी तस्वीर भी जौनपुर की है। यहाँ मशीनरी स्टोर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डीजल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में कानपुर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर हाईवे पर देखते ही देखते एक ट्रक जलकर राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रक धू-धू कर किस तरह जल रहा है। ट्रक में पतंजलि के प्रोडक्ट थे। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।